By the way, कमरा तो काफी प्यारा है तुम्हारा। Really? हैरत की बात है। मेरे घर वाले तो कहते हैं कि मैं बहुत गंद मचाता हूँ। तो ले आओ ना कोई कमरा साफ करने वाली। हाँ वो माला आती तो है सफाई करने। अरे मैं तुम्हारी बीवी की बात कर रही हूँ भाई। वैसे तुम साथ दो मेरा ना काम हो सकता है। Shut up! मेरे बारे में हर किसी ऐसा मत सोचना, समझ में आई? यार मैं तुम्हारे बारे में नहीं तुम्हारी बहन की बात कर रहा हूँ। अब तुम मेरी बहनों की तरह हो और मैं अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सुनो, तुमने अपने घर में इत्तला दी है? नहीं, किस बात की? यही कि तुम शादी कर रही हो। What? मैंने तुम्हें बोला है मिस्टर, मेरे बारे में ऐसे कोई ख्याल दिमाग में मत लाना वरना मैं। Shut up यार, मैं तुम्हारी नहीं तुम्हारी बहन की बात कर रहा हूँ। एटलीस्ट उसको कॉल करके बता दो अपनी खैरियत के बारे में। लेकिन क्यों? क्यों सारा, तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि वो लोग कितने परेशान होंगे? तुम पूरी रात अपने घर से बाहर रही हो। हाँ ये तो है यार। इसे झगड़ा तो तुम्हारा सिर्फ तुम्हारी माँ के साथ हुआ था, तुम पूरे घर वालों को सजा क्यों दे रही हो? सोचो मरियम कितना परेशान होगी तुम्हारे लिए। तुम सही कह रहे हो, मरियम बहुत परेशान हो रही होगी और अब्बा भी बहुत परेशान हो रहे होंगे। चलो मैं जा रही हूँ। अरे भाई कहाँ जा रही हो? अपने घर। पागल मत बनो, रुको मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगा, इस तरह अकेले मत जाना। वो क्यों? यार ऑब्वियसली लोग बातें बनाएंगे। वैसे तुम इतने बुरे इंसान भी नहीं हो जितना लोग तुम्हें कहते हैं। थैंक यू। किस बात के लिए? आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए। ओह अच्छा। अच्छा अभी तुम उनको कॉल करो और उनको बता दो कि तुम खैरियत से हो और थोड़ी देर में घर आ जाओ। हाँ मगर। मगर क्या? मगर यार बहुत डांट पड़ेगी। हाँ तो खा लेना। नहीं भाई मैं डांट नहीं खा रही। अच्छा तुम ऐसा करो कि फोन करके बस अपनी खैरियत के बारे में बता दो और कोई डिटेल मत बताना, ठीक है? लेकिन मैं कैसे कॉल करूँ यार, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। फोन मेरे पास है ना, तुम मेरे नंबर से फोन करो उनको और बस अपनी खैरियत बता के फोन बंद कर देना। हाँ ये आइडिया अच्छा है। मेरी बच्ची हाथ पे गुजर गई, उसका कोई अता पता नहीं। हाँ आपने तो जैसे उड़कर फौरन उस पते पर पहुंच जाना था। मुझे पता होता ना तो मैं चली भी जाती। चली जाती। चलें देखें आज कहीं ना कहीं से कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी। अल्लाह करे, आमीन। अगर आपको इतनी फिक्र होती ना अपनी बेटी की तो इस तरह हाथ पे हाथ धर के ना बैठे होते। एक हाथ में हमारे चाय है, दूसरे में पापा है, हाथ पे हाथ धरे तो हम नहीं बैठे। आशर ने नाश्ता कर लिया? अभी काम हुआ है। देखो कितना वक्त हो गया है, कल रात से मेरा बच्चा भूखा प्यासा है। अरे हमने नहीं कहा उसे भूखा प्यासा रहने को, उसके हाथ पैर सलामत हैं, हिलाए और खा पी ले। उसकी खिदमत के लिए आपको नहीं कह रही हूँ मैं। अरे हम कर भी नहीं रहे उसकी खिदमत, हम क्यों करें खिदमत? हम कोई उसका दिया खाते हैं? हाँ आप तो बहुत कमाते हैं ना। देखिए समरा बेगम, अब आप ताने देना शुरू ना कीजिएगा। ताने नहीं दे रही, एक बात कर रही हूँ मैं आपसे। अब्बा प्लीज पहले ये तो देखें घर में हालात क्या चल रहे हैं, फिर ये लड़ना शुरू कीजिएगा। यह आपकी अम्मा कोई शौक है, हर दूसरी जगह आस्तीन कस के मैदान में कूद पड़ती हैं। हाँ आप तो जैसे बड़े शरीफ है ना। बिल्कुल, ये जो कुछ हम करते हैं ना ये आप ही से तो सीखा है हमने। अम्मा प्लीज आप ही कुछ एहसास कर लें। अपने बाप को कुछ ना कहो, ये गूंगे बहरे हैं, ना इन्हें सुनाई देता है ना ही कुछ बोलते हैं ये। समरा बेगम आप तो चाहती यही है क्या हम ऐसे ही हो जाएं? लेकिन अल्लाह का भी हम पर खास करम है, हमें नजर कम ही लगती है किसी की। ओह अच्छा, अम्मा आप मेरी सुनेंगी या नहीं? अरे जिन्हें बोलने का शौक हो ना वो सुनते कम है। आपकी कैंची जैसी जबान के आगे कौन ठहर सकता है, मुझे तो माफी रखे। चलो मरियम और अशर को नाश्ता देकर आए। अम्मा रुके, अशर कमरे में नहीं है, मैं कब से आपको यही तो कहना चाह रही हूँ। क्या
कहाँ चला गया मेरा बच्चा? अरे कहीं वही तो सारा को लेकर नहीं भाग गया? आप अपनी जबान को लगाम दें, मेरा भांजा ऐसा नहीं है। हाँ तो हमारी बेटी ऐसी है जो उस आशर के लिए ऐसा कदम उठाएगी? अब्बा आशर बेचारा तो रात उसी वक्त से घर पे नहीं है, सारा को ढूंढने के लिए निकल गया, कह रहा था मुझे इस तरह से चैन नहीं आ रहा। अरे अल्लाह मेरा बच्चा कहाँ मारा मारा फिर रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले ही फोन आया था, सारा ना तो किसी हॉस्पिटल में ना क्लिनिक में, सब जगह देख लिया उसने। और मेरी बच्ची अन्ना हिफाजत करना उसे। आशर का फोन है? नहीं अम्मा कोई अननोन नंबर। अरे अरे उठा लो, हो सकता है सारा का, उठाओ। हाँ हेलो सारा, कहाँ हो तुम? हाँ हाँ सब ठीक, कब आओगी घर पे? क्या हुआ? कॉल कट गई, कह रही थी मैं ठीक हूँ और जल्दी घर आ जाऊंगी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मरियम कहाँ है वो? अम्मा इससे पहले वो कुछ बताती है, मैं पूछती हूँ, फोन ही बंद हो गया। अरे किस नंबर से फोन आया था उसका? पता नहीं अब्बा, कोई अननोन नंबर था। अरे जो भी नंबर था उसके दोबारा ट्राई करो उसे। ये तो नंबर ही ऑफ है। हाँ? अजीब पागल लड़की है, पूरी बात बताई नहीं और फोन को ऑफ कर दिया उसने। तुम ऐसा करो, आशर को फोन मिला। हेलो आशर, आ रही हूँ भाई। मिलिंद भाई, किसके नंबर से कॉल आई थी? हाँ पता नहीं, अननोन नंबर था, क्या पता उसके शोर का हो। है तुझे ख्वाब आया था कि उसने शादी कर ली है? अम्मा दस दफा कहा है आपको कि आराम से मारा करें, पूरी जान ना लगाया करें। हाँ और जोर से मारूंगी, मेरा बस चले ना मैं तेरा गला दबा दूं। अभी कौन सा पहला गला तुम दबाया आपने? छोटी बस करो, कभी भी कहीं भी कुछ भी शुरू हो जाती हो। बेफजूल बोलना तो इसकी पुरानी आदत है। हाँ हाँ जो चली गई है वो तो बिल्कुल सही बोलती है ना, तुमसे हजार दर्जे बेहतर है वो। अम्मा खुदा का ख्वाब करो, अपनी औलाद में फर्क करना ना गुनाह कबीरा होता, जानती है वो अब। हाँ अब तू मुझे दीन और दुनिया के कायदे भी सिखा दे बस। हाँ तो ऐसे इल्म का क्या फायदा जो खुद छुपा के रखा जाए। तो बहन अपने इल्म की हिफाजत करो, ये ना हो कि जंग लग जाए। बेफिक्र रहे, रोशनी का काम ना चिरागा करना होता है, मैं तो हर तरह रोशनी बिखेर दूंगी। हाँ तो ध्यान रखो, ये ना हो कि आप ही बिखर जाएं। नंबर चेक करवाओ। मुझे तो अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि सारा इतने गहरे पानी से निकल कर कैसे आ गई। छोटी तुमने उसे अपनी आंखों से देखा पानी में कूदते हुए? नहीं तो? तो फिर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकती हूँ कि वो पानी में कूद के मरी? जितनी अकल है उसी हिसाब से तो बात करेगी ना ये। मरियम ये नंबर तो बंद है। हाँ मैंने भी ट्राई किया था। इसकी आवाज़ से तुम्हें क्या लग रहा था? इससे पहले कि मैं अंदाजा लगा पाती कॉल ही कट गई थी। हो सकता है कि उसका बैलेंस खत्म हो गया हो। आशीर भाई आप एक काम करें, 50 रुपए का बैलेंस दिलवा दे और फिर उसके पास बैलेंस आ जाएगा तो कॉल कर लेगा। हाँ अब किया ना तुमने अकल वाली बात। क्यों आशर बेटा, ये भी तो हो सकता है उसके फोन की चार्जिंग खत्म हो गई हो। कोई इसका फोन छीन भी तो सकता है। अरे कोई छीन को तो दिखा है सोरा, उसका मुंह ना तोड़ दे। वो किसी और का फोन था, उसके बाप का नहीं था कि मोबाइल छीनने वाले को ठोक देती वो। दरवाजे पे जाओ, कोई खटखटा रहा है। हाँ हाँ मुझे ही सारे काम बोलो, जैसे इस घर की सारी रोटियां तो मैं ही खाती हूँ। जा ना खोल ना, सब खोल और दरवाजा खोल। नौकर समझ के रखा हुआ है, किचन भी संभालो, सब्जी भी काटो, बर्तन भी धो, कपड़े भी धो। अबे आ रही हूँ भाई, रुक जाओ। दोबारा उसका नंबर। अम्मा नंबर बन जा रहा है। सारा सारा
कहाँ थी तुम? हाँ, मेरी बात का जवाब दो, कहाँ थी तुम? इसके घर पे। इस दिन के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था। हाँ, देखा तुमने, इसीलिए मुझे यहाँ नहीं आना था। क्या सलूक करते हैं लोग मेरे साथ? तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ ना, अंदर जाओ। नहीं, तुमने जो गुनाहगार हरकत की है ना, इससे भी बदतरीन सलूक तुम्हारा यहाँ होना चाहिए। तो जान से मार दिया मुझे। हाँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हारे बात कर लेंगे। अरे नहीं अम्मा, अगर आप इसकी टांगे तोड़ देंगी तो हमारे घर में तो व्हीलचेयर भी नहीं है ना, किस पे बैठ के घूमेगी ये? जी आंटी, बिल्कुल ये जुर्म ना कीजिएगा। ये कौन है? अम्मा, ये वही है, वही बदमाश जिसके साथ ना सारा भागी है। अम्मा बाद में बात करेंगे। अम्मा समझ आ रहा, अम्मा इसको कुछ मत कहना। हट, तू तो हट। अम्मा हाँ अम्मा, सलील इंसान है। मेरे मासूम बेटी को बरखलाया। हाँ, जवाब दो मेरी बात का। और अब तो औरत पानी पी रहा हूँ। पूरे खानदान ने हमारा मां मंदिर का खाना किया। बस कर दो प्लीज, जवाब दो। आप कहीं जा रहे हैं? था। कहाँ? किसी और जगह। वजह पूछ सकती हूँ? वजह तो सबके सामने हो। आप कहीं नहीं जा रहे? नहीं, अब नहीं। मुझे यहाँ से जाना है। आप कहीं नहीं जा रहे हो, ना मैं आपको जाने दूंगी, समझे? मुझे यहाँ से जाना होगा, प्लीज। सारा ने मेरी खातिर घर छोड़ दिया, और कल को उसने कोई मजीद उल्टी सीधी हरकत कर दी तो करती रहे। आप उसकी इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? टेंशन तो होती है ना यार, ये घर में जो कुछ हो रहा है सब में मेरा नाम आ रहा है। कोई आपका नाम नहीं ले रहा। सारा ले रही है। वो तो पागल है, हर दूसरे दिन नया किस्सा खोलना उसका मशगला है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं जब से इस घर में आया हूँ सबको मुश्किल हो रही है। पता नहीं आपने ये बात अपने जहन पे क्यों सवार की हुई है। एक छोटी सी बात पे अम्मा और उसका झगड़ा हो गया और वो गुस्से में आ गई, वरना मैं जानती हूँ मेरी बहन ऐसी नहीं है। वैसी ना होने के बावजूद ऐसी बन तो गई है ना, इस सब के पीछे मेरा नाम तो आएगा ना। ऐसा कुछ नहीं है। और ये बात ना अपने दिमाग से निकाल दें कि आप यहां से जा सकते हैं, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। आप जानते हैं मेरी बहन पागल है, बेवकूफ। हमें कुछ भी करके उस आवारा बदमाश लड़के के छुअल से उसे निकालना होगा। और अगर आप यहां से चले जाएंगे तो इस सब में मेरा साथ कैसे देंगे? ये कोई आसान काम है? इसमें मुश्किल भी कुछ नहीं है आशिर। मैं उस आवारा के हाथों की बहन को बर्बाद होता नहीं देख सकती। और अगर आप यहां रुकेंगे नहीं तो इस समय मेरा साथ कैसे देंगे? अबे वो उसे पसंद करती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं मरियम? वो तो पागल है, बेवकूफ। उसे ये चलाकियां साजिशें नहीं आती। और मैं अच्छी तरह जानती हूं उसने चलाकी से ही मेरी बहन को फंसाया हुआ।
का बीपी आया है, अभी तुम कमरे में नहीं जा सकते। यार भाई मुझे बात करने दो मॉम से। यार क्या बात करने दो यार, सबसे पहले आप ना अपना लहजा तो मेरे साथ ठीक करो कम से कम। तुम अभी मॉम के कमरे में नहीं जा सकते, ये तुम्हारे लिए ही बेहतर है। यार मैं उनकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, प्लीज। कौन सी गलतफहमी? जो हमने देखा वो क्या था? जो तुमने देखा वो तस्वीर का एक रुख था। दूसरा रुख क्या है वो भी बता दो हमें। यार मुझे समझ नहीं आती तुम लोग मुझ पर इतना शक क्यों करते हो। तो तुम शक करवा रहे हो तो हम कर रहे हैं ना। यार भाई मेरा उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। तो बताओ क्या था तुम्हारे बीच। यार देखो बताने को तो बहुत कुछ है, हम भी सुनना चाहते हैं, बताओ। यार भाई मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। कैसी मदद? वो घर से भाग कर आई थी। तुम्हारी खातिर? नहीं नहीं यार, किसी और की खातिर। फिर फैमिली इशू था कोई इसका। तुमने उससे पूछा? हाँ। तो यार वो अपनी बहन की खातिर माँ से लड़कर आई थी। तुम्हारे पास क्या लेने आई थी? यार वो मेरे पास नहीं आई थी, मैं उसके पास गया था। पहले जानते थे तुम उसे? नहीं यार बाई चांस मिली है। तुमने पहले कहा था तुम उस डॉक्टर लड़की से शादी करना चाहते हो, तो तुम इसे क्यों उठा कर ले आए घर पे यार सालार? यार भाई मैं इस लड़की को सच में बहन समझता हूँ, क्योंकि वो उस डॉक्टर की छोटी बहन है। जाने दो यार प्लीज, अभी नहीं जा सकते। सुनो, उस लड़के और उसकी मां को बुलाओ। किसको? जिसके खातिर तुम्हारे बाप ने लोगों में बैठना छोड़ दिया है। लेकिन क्यों? क्यों? ताकि वो लोग आए और तुम्हें इस घर से रुखसत करके ले जाएं। मैं तुम्हें अब इस घर में देखना नहीं चाहती। लेकिन अम्मी, सरमत तुम तो इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर है। सॉरी मॉम, लेकिन अब जहां मैं सालार की पोजीशन क्लियर करना चाहता हूं, वहीं आपके दिमाग से वो गलतफहमी भी दूर करना चाहता हूं जिसकी बिना पर हम नाराज हैं उससे। अच्छा, मेरी नाराजगी की किसी को फिक्र है? फिक्र है ना मॉम, वो इसलिए बार बार आपके पास आना चाह रहा है मॉम। तुम उसे जानते हो सरमत, पता है ना कितना चालाक लड़का है वो। आपको एतराज उसकी चालाकी पर है या अपनी पोजीशन क्लियर करने पे? वो अपनी पोजीशन साफ नहीं और ज्यादा खराब कर रहा है। तुम इस मामले से निकल जाओ, मैं जानूं और वो जाने। ऐसे कैसे मॉम? वो जब भी कोई नया फड्डा करता है तो तुमसे आके पूछता है क्या, सलाह मशवरा करता है? बस जिस तरह से वो तुमसे नहीं पूछता, तुम भी मत पूछो उससे। मुझसे ये सब नहीं होता। वो लड़का हम सबको चक्कर दे रहा है, कभी उस डॉक्टर लड़की से रिश्ता करना चाहता है और फिर ना जाने किसी लड़की को उठा के अपने कमरे में ले आता है। भाई ये कौन सा चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है? जाने देना मॉम। अरे कैसे जाने दूं? वो अपने ही घर में कैसे कैसे ड्रामे कर रहा है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? देखे मॉम, वो जो भी कर रहा है लेकिन मेरा दिल नहीं मानता इस चीज। इस बार इस लड़की से इसका कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ट्रस्ट मी। पूछ सकती हूँ तुम्हें इतना यकीन कैसे? बस कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? मॉम आप ये सोचें, अगर कुछ ऐसा वैसा होता तो वो हमसे छुपाता ही क्यों? अरे उस लड़के ने छुपाया क्या है हमसे, हद को अपने कमरे में लड़की ले आया, हमने उसको देखा, उसने हमें देखा, उसके बावजूद तुम आंखें बंद करने पे बजे दो। भाई मेरी तरफ से माजरत है। मॉम मैं तो यही कहूंगा, वो जो भी कर रहे उसे करने दे, इसी में ही हमारी भलाई है। तुम फिक्र ना करो, मैं देख लूंगी उसे। क्या देख लेंगी आप?
जो वो चाहता है। अगर इसमें भी वो गैर मुतमईन नजर आया तो फिर वो होगा जो मैं चाहती हूँ। प्लीज मॉम, आप मेरी माँ ने उसे छोड़े उसके हाल पे। क्या हो गया सरमत तुम्हें? जो वो लड़की ला सकता है, सारी रात अपने कमरे में रख सकता है, तो उससे शादी क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता ना, ये उसकी मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है? एक्चुअली वो उस लड़की को पसंद नहीं करता। अच्छा, जब उसको साथ लाता है तो तब मजबूरी याद नहीं आती, लेकिन जब शादी की बात करो तो उसको याद आ जाता है कि वो लड़की को पसंद नहीं करता। ऐसा एक बात बताऊं आपको? अब क्या बताने को रह गया है? आपको पता है वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की? अब जिसे वो घर लेकर आया था और फिर वो छोड़कर भी आया है। मुझे क्या बता, ये तो उस बदमाश को ही पता होगा। उस डॉक्टर की छोटी बहन है जिसे वो पसंद करता है। क्या? ये लड़का जरूर मुझे हार्ट अटैक करवा के छोड़ेगा। चलो भाई, मुझे लेकर चलो। कहाँ? डॉक्टर के पास। क्या हुआ मॉम, तबीयत ठीक है आपकी? मेरी तबीयत को क्या होना है? तबीयत ठीक है तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाना है? भाई काम हमारा है तो हम ही देखेंगे ना उसे। डॉक्टर के पास तो इलाज करवाने जाते हैं, उसे देखने थोड़ी जाते हैं। हमारा इलाज भी तो उसी के पास है। किसके पास? डॉक्टर मरियम के पास। आप अभी वहाँ जाने की बात कर रही थी। जाहिर है तुम्हारे लिए उसी के पास जाऊंगी ना। बट मॉम मुझे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मुझे है। मॉम अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। जो सोचा है ना वो तो मैं जानती हूँ। मॉम आप कुछ नहीं जानते। मेरे साथ ना ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ सीधी तरह से मुझे डॉक्टर मरियम के घर लेकर चलो। और अगर ना लेकर जाऊँ तो फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। मॉम एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती। लेकिन मुझे सब समझ में आ रही है। मॉम कुछ नहीं समझ रही हैं। बस कर दो सलार, अब मैं तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आने वाली हूँ। मैंने ऐसी कोई बात की भी नहीं है। और ये जो कर रहे हो वो क्या है? मॉम मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा। जब ऐसी कोई बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। नहीं सलार, नहीं, ये मामला अब मैं किसी सूरत नहीं डाल सकती। ओह आई डोंट नो, आपको इतनी जल्दी क्या है? जल्दी माइंडेड, ये सब करने के लिए तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। कसम से मॉम, आपको तसल्ली देना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। खबरदार, अगर तुमने इस दफा शादी करने से इनकार किया ना तो मैं इंतजार नहीं करूंगी, किसी और लड़की से तुम्हारी शादी कर दूंगी। समझ गए तुम?